कालू? अनु, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। बोलो कुणाल। ऋषभ अभी अभी यहाँ से निकला और मेरा फोन उसके पास है। हो सकता है कि वो सीधे मेरे पास ही आ रहा हो। मुझे मेरी बेवफाई का सबूत दिखाना। ठीक है, आने दो उसे, आज यही सही। अनु देखो, मेरा फोन उसके पास चले जाना ये इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक ऋषभ के साथ कम होते हैं। अच्छा तो पता करो अभी वो कहाँ मिलेगा, मैं जाकर फोन लेकर आता हूँ। मेरे हिसाब से तो वो यहाँ आ रहा होगा या फिर उस हॉस्पिटल गया होगा जहाँ डैड एडमिट है। अनु, आर यू श्योर? रमन लामा को दिल का दौरा पड़ा? देखो, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, पर न जाने क्यों ये सब इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ऋषभ जरूर वहीं गए होंगे। तुम बहुत बहुत लकी हो रानी। लकी? और मैं? वो कैसे? तुम तो प्रेसिडेंट ऑफ द लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बगल में बैठे हुए हो, हम तो बड़ों बड़ों को सामने खड़ा नहीं करते, और तुम तो फिर भी बैठे हो। मैं जानता था कि मिस्टर अमन लांबा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जिद के सामने पहले अपने घुटने टेकेंगे फिर अपना सर झुकाएंगे। मुझसे पूछे बगैर जिस दिन उन्होंने उस खरबंदा की बेटी को नौकरी पर रखा, उसी दिन मैं तय कर बैठा कि डैड के रिटायर होने का टाइम आ गया। वैसे एक बात है जी, आप अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए ना, उसकी तो फिर खुदा ही खैर करे। और आज हम एक और चीज के पीछे पड़ गए। किसके? तानिया। और आज का दिन हम थोड़ा और खास कर देते। कंपनी के प्रेसिडेंट तो हम बन गए, अब अपने बच्चे के बाप बन कर दिखाते। कुणाल के इस मोबाइल से तुम ताने को एसएमएस करो, उससे कहो इट्स अर्जेंट। अर्जेंट बनना है कुणाल, फोन करके पूछूं क्या बात है? फिर तो मिलना पड़ेगा। वैसे चीफ, जिन हालात में आप प्रेजेंट बने हैं, अंकल तो बहुत नाराज हुए होंगे। डैड की नाराजगी की परवाह करूं लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की या फिर लांबा फैमिली की? पहले ही अपनी नर्म दिली में मामा ने उस प्रियंका को घर में घुसने की इजाजत दे दी। पहले वो घर में घुस गई और फिर लोगों के दिलों में घुस गई, और अब पूरे घर पर उसने कब्जा कर लिया। और डैड अपनी दरियादिली दिखाते हुए उस प्रियंका को ऑफिस में नौकरी दे रहे हैं। बात इतनी आगे नहीं बढ़ती और मुझे वो जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती अगर शुरू से मेरी बात मान ली जाती। जैसे पूरे बिजनेस को मैंने अपने हाथ में कर लिया, वैसे ही अब घर की लगाम मैं अपने हाथ में ले लूंगा। फिर मैं हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि सबको मजबूरन प्रियंका को अपने दिल से निकालना होगा। और जिन दिलों से वो निकल नहीं पाए, उन्हें अपने अपने दिल लेकर घर से निकलना होगा। चीफ, तान्या।
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। रानी, तुम कुणाल के फोन से तान्या को एसएमएस करो, देखो कि सॉरी तान्या मैं अभी नहीं पहुंच पाऊंगा, घर पर मेरा इंतजार करो, आज मिलना जरूरी है। ऑलराइट। सॉरी तान्या, अभी नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम अपने घर पर मेरा इंतजार करो, आज मिलना जरूरी है। रानी, अब ये सीधे अपने घर जाएगी, तुम इसके पीछे जाओ और इसके घर का अता पता लगा कर आओ। And remember, इसको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इसके पीछे हो। All right, chief. तो तुम्हें बड़ा सूरमा समझते थे, ये क्या पीठ पर लेटे हो, और अकेले तो तुम कभी कहीं गए ही नहीं, तो फिर यहां कैसे पहुंचे। चीटिंग, दिस इज कॉल्ड चीटिंग। बस 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 रहने दो, जब मैं घर में सामने होती हूं तब तो बात नहीं करते, यहां बड़ा दिल कर रहा है बात करने का, यहां तुम्हारी कोई बात मुझे सुननी ही नहीं है। ठीक होकर पहले घर चलो, सारी बातें वही होंगी। एकदम से लगने लगा कि मुझे तुमसे कितना कुछ कहना है, तो तुम्हें अपनी ऐसी हालत पर लेने का कोई हक नहीं है। एक बात और, देखो कोई बेवकूफी मत करना, तुम्हें हमेशा मैंने जीतते हुए देखा है, तो हारने तो मैं तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं दूंगी। मैं अभी आती हूं। क्या बात है, हॉस्पिटल में लेटे हैं पर हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं बिगड़ा। Ha ha ha!
विरासत ये विरासत विरासत ये विरासत। बेटा तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? किसका फोन था? भैया का। तो बात कर लो ना बेटा। कैसे बात करूं अम्मा? उन्होंने डैड के बारे में पूछ लिया तो, वहीं इस हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया तो, झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा, सच में बता नहीं सकती। बड़ी अजीब लड़की है तो। डैड की कंडीशन अब काफी बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी कंडीशन अब अंडर कंट्रोल है। नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। मां देखिए, अब रोएंगे नहीं, रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं रोती बेटा, मैं नहीं रोऊंगी। ये प्रियंका फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं भाऊजी? हाँ भाई, वो रमन के फैसले से। अच्छा, वो है किसे? जैसा एक मजबूर बाप होता है। सुना है वो कहीं गायब हो गए? प्रियंका फोन नहीं उठा रही है, आप नजर नहीं मिला रहे। मेरे पास तो उससे नजरें ना मिलाने की कोई वजह नहीं है। पर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं भाऊजी। पूरे शहर में चर्चा है कि रमन लामा को उस इंटरव्यू के बाद कुछ हुआ है। प्रेस उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रेस जाने या रमन जाने? मुझे पता चला है कि रमन लामा को दिल का दौरा पड़ा है और वो किसी हॉस्पिटल में है, पर किस हॉस्पिटल में है ये नहीं पता। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात पता नहीं चली। बुरी खबर यह है कि लांबा एम्पायर पे ऋषभ का कब्जा हो गया है। घर और बिजनेस का क्या हाल होगा इसका भगवान ही मालिक है। वो घर जहां मेरी बेटी भी आई, आज सबको अलग अलग बातों पर ताज्जुब हो रहा है। जानते हो मुझे किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? किस बात पर? जो बात सारा शहर नहीं जानता, जिस बात को पता लगाने की प्रेस कोशिश कर रही है, वो बात तुम जानते हो कि रमन अंकल को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें ये बातें पता कहां से चलती हैं? मुझे जहां से भी पता चलती हो, ना तो तुम्हें इससे कोई मतलब रखने की जरूरत है और ना फिक्रमंद होने की। घर पर आ गया और रमन लामा घर पर है नहीं? अभी नहीं तो एक घंटे बाद से।
ये उस हॉस्पिटल जाएगा जरूर जिसमें रमन नामा है। तो फिर यहीं करते हैं इंतजार। राहुल, राहुल अच्छा हुआ तुम आ गए। डैड कहाँ है? डैड कहाँ है मतलब? तो तुम्हें भी नहीं पता? देखो इस घर में मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं है। अब इंटरव्यू के बाद डैड घर नहीं आए, प्रियंका भी उन्हीं के साथ है, फिर मम्मी वो भी सुबह से बिना कुछ बताए चली गई है। तानी मुझे तो लगता है कि शायद डैड को कुछ हो गया है। डैड को कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होता तो प्रियंका मुझे फोन करके जरूर बताती। हाँ बोलो राहुल। डैड ठीक तो है ना? राहुल देखो मैं अभी तुमसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकती। देखो मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। ओके ये कैसी बेसब्री की बात कर रही हो? तुम मुझे नहीं बताओ? डैड ठीक तो है ना? मुझे डैड ने ही मना किया है राहुल, तो प्लीज मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। प्रिया हेलो। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर को। पहले भैया मनमानी कर रहे थे और अब प्रिया। बागों में बहारों में बस रिलैक्स बेबी रिलैक्स रिलैक्स। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। कुछ दिन पहले तुमने अनुष्का को देखा था।